गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के क्या रूल्स होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है हाउ तथा डब्ल्यूएच फैमिली द्वारा यदि कोई क्वेश्चन शुरू हो तब इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। किंतु यदि हाउ तथा डब्ल्यूएच फैमिली वाक्य क्वेश्चन के बीच में हो तो वो कंजंक्शन या एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करेंगे। वहां पे यदि ये किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं, किसी क्वेश्चन के बीच में आते हैं, तो वो कंजंक्शन या एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हु डिड दैट, What was wrong? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे who इसके तुरंत बाद helping verb, तो यहाँ पे ये pronoun होगा, that conjunction होगा और what adjective phrase होगी। यहाँ पे ये adjective का कार्य करेगा, what न कि pronoun का, न कि क्वेश्चन मार्क का। That conjunction, conjunction के द्वारा दो sentence अलग अलग हैं, दोनों part conjunction के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे who है वो pronoun का कार्य करेगा और यहाँ पे ये adjective phrase का कार्य करेगा। अगला point क्या है, how, what, which और whose द्वारा यदि कोई question शुरू हो तो इसमें एक बात हम आपको और बताते हैं कि यदि how तथा wh family के द्वारा कोई भी question start है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी है। यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क समय कहीं पे भी मिलता है इसके लास्ट में तो वो वहां पे प्रोनाउन का कार्य नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा, ना ही एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी है। यदि क्वेश्चन मार्क आता है तो वो वहां पे या तो प्रोनाउन का कार्य करेगा या कंजंक्शन या एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करेगा यदि सेंटेंस के क्वेश्चन के बीच में आता है। अगला पॉइंट क्या है, हाउ, व्हाट, विच और हुज द्वारा यदि कोई क्वेश्चन शुरू हो तो इनके ठीक बाद हमें क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या चीज मिलेंगी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फर्स्ट बात, प्रीपोजिशन मिल सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकती है, प्रीपोजिशन भी मिल सकती है, एडजेक्टिव भी मिल सकती है और नाउन, इन चारों में से कोई भी एक हमें डब्ल्यूएच फैमिली के तुरंत बाद क्वेश्चन के अंदर मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट ऑन द पॉइंट मे वी डिस्कस, इसमें क्या आता है, ऑन, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, प्रीपोजिशन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, वाही, वेहन, वेहर, हूं और हु द्वारा यदि क्वेश्चन शुरू हो तो इनके ठीक बाद सिर्फ हमें दो चीज मिलेंगी, हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इसके बाद हमें या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या प्रीपोजिशन मिलेगी। और पिछले पॉइंट में क्या बताया, प्रीपोजिशन भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है और नाउन भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर क्या होता है, प्रीपोजिशन होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, ये दो चीज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, वाही हैव यू बीन सो अपसेट, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे यदि इनसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट है तो उसमें इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन होगी, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हुई।
अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, यदि हाउ तथा डब्ल्यूएच फैमिली द्वारा कोई भी क्वेश्चन शुरू हो, वाक्य नहीं, कोई सेंटेंस नहीं हो, क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क लास्ट के अंदर उसके लगना, यदि इसके ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन हो या हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको क्या है, सब्जेक्ट के ठीक पहले रखना है। हाउ तथा डब्ल्यू एच फैमिली के द्वारा क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए और उसमें क्या है, यदि इनके ठीक बाद कोई भी प्रीपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब हो तो उनको क्या है, सब्जेक्ट के ठीक पहले रखना है। हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन कोई भी आती है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही है, तो इसमें हम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन ना, उसको सब्जेक्ट के ठीक पहले, जैसे यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आई है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको अलग से देते हैं, जैसे वाई ड्यूरिंग कार्निवल वाज सी शूटिंग स्टडिंग सॉरी स्टडिंग। इसमें क्या, इससे क्वेश्चन शुरू है तो इसके तुरंत बाद क्या बताया, यानी इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट के ठीक पहले हमें प्रीपोजिशन या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के ठीक पहले रखना है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ, सी, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब वो जाएगी। अगला पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, हाउ तथा डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन में यदि सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव हो तब हेल्पिंग वर्ब को क्या है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ था, जो भी क्वेश्चन मार्क वाला जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसके जो पूरा जो समूह है उसके ठीक पहले रखना है हेल्पिंग वर्ब को। सब्जेक्ट के पहले यदि एडजेक्टिव हो तब हेल्पिंग वर्ब को यानी उससे ठीक पहले रखना है जो भी दिया हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं अलग से, इसमें क्या बताया, यदि हाउ तथा डब्ल्यू एच फैमिली के द्वारा कोई भी क्वेश्चन शुरू हो और उसमें क्या है, इसके बाद हमें कोई भी एडजेक्टिव हो तब हेल्पिंग वर्ब को उस पूरे समूह के ठीक पहले रखना है। तो जैसे व्हाट हैड माइटी ग्रैपर डन बिफोर द गेम्स टू गेट द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। तो इसमें क्या है, व्हाट के द्वारा क्वेश्चन स्टार्ट है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे पहले जो माइटी है ये यहाँ पे एडजेक्टिव होगी, ये एडजेक्टिव है, ग्रेफर ये पहलवान की जो विशेषता, ये यहाँ पे पहलवान है तो उसकी यहाँ पे विशेषता बताई गई है माइटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि पूरा जो क्वेश्चन है उसको हम एडजेक्टिव के तुरंत पहले, क्या डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उसके बाद हम एडजेक्टिव को रखेंगे, और एडजेक्टिव के बाद जो भी सेंटेंस है हम पूरा रख देते हैं लास्ट तक। अगला पॉइंट क्या आता है कि हाउ तथा डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन में यदि इनके ठीक बाद प्रीपोजिशन नहीं हो, इसमें क्या बताया गया कि इनके तुरंत बाद यदि कोई प्रीपोजिशन नहीं हो तब हेल्पिंग वर्ब को हाउ तथा डब्ल्यू एच फैमिली के ठीक बाद रखना है और सब्जेक्ट के ठीक पहले रखना है, डब्ल्यू एच फैमिली के ठीक बाद रखना है और जो सब्जेक्ट आता है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हुआ कि डब्ल्यू एच फैमिली और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब को हमें रखना है।
इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे वेयर हैज ही गोन जस्ट नाउ, क्वेश्चन मार्क, वेयर वेयर डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट है, ही सब्जेक्ट और दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली और सब्जेक्ट के बीच में रखना है। यदि डब्ल्यू एच फैमिली से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट है तो उसमें इसके ठीक पहले रखना है, और डब्ल्यू एच फैमिली के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब को रखना है, और सब्जेक्ट के ठीक पहले, सब्जेक्ट के ठीक पहले और डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद। अगला पॉइंट कहता है, हुम द्वारा यदि कोई भी क्वेश्चन शुरू हो तब इस क्वेश्चन के शुरू में या अंत में किसी प्रीपोजिशन का होना आवश्यक है। हुम द्वारा, ओनली हुम, यदि हुम के द्वारा कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट है तो हुम से पहले या क्वेश्चन के लास्ट में किसी भी प्रीपोजिशन का आना कंपलसरी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हुम हैव यू डिसाइडेड टू कैम टुमारो विद, इसमें क्या बताया, हुम के द्वारा यदि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट है तो या तो हुम से पहले प्रीपोजिशन मिलेगी या क्वेश्चन के लास्ट में हमें प्रीपोजिशन कंपलसरी है। तो इसमें क्या, इसमें प्रीपोजिशन हमें हमने लास्ट में दे दी। यदि इसमें यहाँ पे भी प्रीपोजिशन आ सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही हो, या तो इससे पहले होगी या फिर लास्ट में होगी। अगला पॉइंट क्या आता है, एट्थ पॉइंट क्या आता है, हुम वाले क्वेश्चन के शुरू में या अंत में यदि हम किसी भी प्रीपोजिशन को रखते हैं या उस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, जैसे इसके अंदर हम इस प्रीपोजिशन को हटा देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रीपोजिशन को इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसको जब हम हिंदी अनुवाद के अंदर लेते हैं तब इसका सेंटेंस का मतलब है वो राइट होना चाहिए एकदम, ये नहीं कि प्रीपोजिशन लगने के बाद सेंटेंस की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाए, उसका अर्थ जो है वो चेंज हो, उसका कोई अर्थ ना निकले। तो जैसे हूम आर यू टेकिंग रिस्क इन दिस टाउन, तो इसमें क्या होता है, इससे पहले या इसके बाद हम कहीं पे भी हुम के साथ प्रीपोजिशन को लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पे फॉर हुम सेंटेंस का जो अर्थ है उसको तर्कसंगत करने के लिए हम यहाँ फॉर लगाते हैं। फॉर हुम किसके लिए, आर यू टेकिंग रिस्क इन दिस टाउन, इस कस्बे के अंदर आप किसके लिए रिस्क उठा रहे हैं, तो यहाँ पे किसके लिए, फॉर हुम कौन है जिसके लिए आप ये रिस्क उठा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि किसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, हाउ तथा डब्ल्यू एच फैमिली, हाउ व्हाट विच हुज वाले क्वेश्चन में यदि इनके ठीक बाद सिर्फ नाउन आता है, यदि सिर्फ नाउन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, चारों को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, कौन कौन से, हाउ व्हाट विच और हुज, हाउ व्हाट विच और हुज वाले क्वेश्चन में ये चार जो वर्ड है इनसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट हो, और यदि इनके ठीक बाद सिर्फ कोई नाउन आता हो तब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये चारों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट ट्रेवल इज बोदरिंग
यू। इसमें क्या ट्रबल है, ये यहाँ पे नाउन का कार्य करेगा, यहाँ पे ये नाउन है तो यहाँ पे ये क्या है, इसमें व्हाट का क्या होगा कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी, यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। अगला पॉइंट क्या है, माई यूअर आवर और देयर के ठीक बाद हमेशा नाउन होता है, माई यूअर देयर, माई यूअर देयर और आवर इनके ठीक बाद हमेशा नाउन होता है, इसलिए इन चारों को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये क्या है, ये अपने साथ किसी ना किसी नाउन को या प्रोनाउन को अपने साथ लेकर आते हैं, इनके साथ नाउन आना कंपलसरी है, ये किसी भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को अपने साथ लेकर आएंगे, ये अकेले नहीं मिलेंगे हमें सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर मे कम टुडे, तो इसमें क्या माय मदर, मदर यहाँ पे नाउन, तो इसमें क्या है माय यहाँ पे क्या है, पजेसिव जो एडजेक्टिव है उसका कार्य करेगा इसके अंदर माय मदर, तो ये क्या है माय यूअर देयर और अवर सेंटेंस के अंदर अकेले कभी भी नहीं आएंगे। अगला पॉइंट क्या है, हिज हर और इट्स यदि किसी भी नाउन के पहले आते हैं, हिज हर और इट्स यदि ये तीनों वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में यानी यदि किसी भी नाउन के पहले हो, तब ऐसे वाक्य में हम क्या करेंगे कि ये तीनों पजेसिव एडजेक्टिव ही होंगे, ये भी तीनों पजेसिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, जैसे इट्स फंक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे इट्स फंक्शन, फंक्शन की यहाँ पे विशेषता बताई गई, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, फंक्शन की विशेषता बताई गई है कि इसमें कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो ये आज हमने आपको बताया इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका कहाँ का यूज किया जाता है और इसके क्या रूल्स होते हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।